चलो गाइस, आज बनाते हैं स्वीट कॉर्न पकोड़ा, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कट के, और यहाँ पे मैंने एक कप स्वीट कॉर्न ले लिया है जो कि ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची और 2 चम्मच बेसन। अभी बस हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है एग्जैक्टली उसी कंसिस्टेंसी में ये होना चाहिए। कढ़ाई पे मैंने ले लिया है तेल और इसे हमें बस करना है फ्राई। 2 से 3 मिनट यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लिया है। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ, या फिर आप ऐसे ऐसे ही खा सकते हो। ये शाम के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही कम समय में ये बन जाता है, एकदम कम इंग्रेडिएंट। इसे घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर।